भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो से फिर एक बार ये साबित कर दिया है कि उनकी नीति और राजनीति में देश के युवा, किसान, जवान, महिला, गरीब, पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं। उनका ये मैनिफेस्टो उनके अपने उद्धार के लिए है, उनके पूंजीपति मित्रों को समर्पित है। एक तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र है जिसमें हर वर्ग, हर तबके की समस्याओं का समाधान है, उधर दूसरी तरफ भाजपा का जुमला पत्र है जिसमें झूठे वादे, जुमले और सिर्फ धोखा है। कांग्रेस का न्याय पत्र भाजपा के जुमला पत्र से क्यों बेहतर है, इसके 10 कारण आज मैं आपको बताती हूँ। कारण नंबर 1, लोगों की आवाज उठाने के लिए। कांग्रेस का न्याय पत्र लोगों की आवाज उठाने के लिए है। दो भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान लोगों की जो समस्याएं सुनी उसके आधार पर ये मैनिफेस्टो, ये न्याय पत्र तैयार किया गया है। लेकिन भाजपा का जुमला पत्र मोदी जी की तस्वीरों से ही पटा पड़ा है जिसमें 53 तस्वीरें और 69 बार सिर्फ और सिर्फ मोदी का जिक्र हुआ है। कारण नंबर 2, बड़ी समस्याएं निपटाने के लिए कांग्रेस का न्याय पत्र है। देश के सामने मौजूदा असली समस्याओं पर पूरा ध्यान देते हुए ये न्याय पत्र तैयार किया गया है, मगर भाजपा ने बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र तक अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया। कारण नंबर 3, असल समाधान देने के लिए। कांग्रेस ने नौकरियां पैदा करने के लिए, खासतौर पर बेरोजगारी मिटाने के लिए समाधान अपने न्याय पत्र में पेश किया है, लेकिन भाजपा के मैनिफेस्टो में कुछ भी नया नहीं है। जैसी को तैसी स्थिति है, विफल मौजूदा योजनाओं को बनाए रखने का प्लान है। 4th कारण, सुशासन के लिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में गारंटी को लागू करने के लिए स्पष्ट और ठोस रोड मैप दिया है, जबकि भाजपा ने कोई भी डिटेल नहीं दिया कि योजनाओं को कैसे लागू किया जाएगा और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। कारण नंबर 5, किसानों को MSP देने के लिए। कांग्रेस ने स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुसार MSP की कानूनी गारंटी देने की बात कही है, लेकिन भाजपा समय समय पर MSP बढ़ाने की बात कर रही है और कहीं भी किसानों के भले की बात नहीं हुई है। कारण नंबर 6, महिला सशक्तिकरण के लिए। कांग्रेस गरीब महिलाओं के खाते में सालाना 1,00,000 रुपए देने का वादा कर रही है, लेकिन भाजपा आपके परिवार की आय के आधार पर आपको लक्ष्य पति दीदी कहने का प्लान बना रही है। कारण नंबर 7, युवाओं के रोजगार के लिए। कांग्रेस ने कहा है कि 30 लाख नई सरकारी नौकरियों के साथ युवाओं के लिए 1,00,000 स्टाइपेंड की पहली नौकरी दी जाएगी, लेकिन भाजपा रोजगार बनाने की किसी नई पहल के बारे में अपनी मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं करती है। कारण नंबर 8, श्रमिकों की आमदनी बढ़ाने के लिए। कांग्रेस ने वादा किया है न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए किया जाएगा, जिसमें मनरेगा भी शामिल रहेगा, जबकि भाजपा के पास इसके लिए कोई भी योजना नहीं है। कारण नंबर 9, सामाजिक न्याय के लिए। कांग्रेस घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय पर लगातार ध्यान दिया गया है, जबकि भाजपा के जुमला पत्र में समानता पर विचार तक नहीं किया गया। कारण नंबर 10, भरोसेमंद योजनाओं के लिए। कांग्रेस ने महीनों के शोध और चर्चा के बाद हर वर्ग को ध्यान में रखकर अपने न्याय पत्र को बनाया है, तैयार किया है और आपके सामने पेश किया है, लेकिन भाजपा ने केवल 15 दिन पहले गठित समिति द्वारा जल्दबाजी में अपना जुमला पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस का न्याय पत्र देश से अत्याचार, असमानता, गरीबी, भूखमरी, लाचारी मिटाने के लिए है, जबकि भाजपा का जुमला पत्र देश से संविधान और लोकतंत्र मिटाकर तानाशाही स्थापित करने के लिए। अब आपकी बारी है, आपको चुनना है, देश के ज्वलंत मुद्दों का समाधान चाहिए या आपको जुमलों वाली सरकार चाहिए। फैसला अब आपको करना है।